नमस्कार। हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। छोटे बच्चे होते हैं बेहद नाजुक और उनकी सही देखभाल है एक अहम जिम्मेदारी। बच्चों को पालने के दौरान कई समस्याएं सामने आती है। उन समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, जो माँ के साथ साथ पूरे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चे को कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों की देखभाल कैसे की जाए और कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाए और नंबर मिलाए 01725043863, 01725043865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बच्चों की आम समस्या से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह। डॉक्टर मीनू, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें और हमारे जितने दर्शक हैं उनको बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से टीके लगवाए जाते हैं और क्या क्या और कितने वक्त पर। अमृता जी, आपको या मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी टीकों के बारे में। ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो उनको लगाने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। और जैसे जन्म से ही आजकल शुरू हो जाता है पोलियो की फर्स्ट डोज जी, और बीसीजी का टीका जो कि टीबी से बचाता है वो दिया जाता है। उसके बाद 6 वीक्स पे हम लोग जो इंडिया में शेड्यूल फॉलो करते हैं उसमें 6 वीक्स पे हम डीपीटी और विच इज अ ट्रिपल वैक्सीन जिसे कहा जाता था, और उसके साथ ही अब एक हिप वैक्सीन होता है विच इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट ये वैक्सीन होता है जिससे कि मेनिनजाइटिस होता है जिस बीमारी से, जिस बैक्टीरिया से, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी 6 वीक्स से ही दिया जाता है जी। उसके बाद 10 वीक्स पे दिया जाता है सेम, एंड 12 वीक्स पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है अबाउट 9 मंथ्स पे जबकि मीजल्स का वैक्सीन देते हैं जी। और आजकल फिर 15 मंथ्स की एज में एमएमआर दिया जाता है विच इज फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। सो ये उसके बाद फिर बूस्टर डोजेस शुरू हो जाते हैं। और 2 साल पे आजकल चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी रेकमेंडेड है क्योंकि चिकन पॉक्स भी कई बार बड़ी डिसफिगरिंग हो जाती है स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड फॉर चिल्ड्रन, सो वो भी दिया जाता है। और उसके बाद फिर बूस्टर डोजेस देते हैं 5 साल की उम्र पे। देयर आर सर्टेन सीजनल वैक्सीन ऑल्सो, जैसे कई लोग टाइफॉइड के लिए वैक्सीन दिया जाता है और आजकल इन्फ्लुएंजा के लिए भी देने की है बात क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंजा का सीरियस H1N1 जैसे एपिडेमिक हो गया था जी, तो उसके लिए भी वैक्सीन जब प्रॉब्लम होती है उस वक्त दिए जाते हैं। डॉक्टर मीनू, आप जो चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे, स्पेशली लड़कियों की बात कर रही थी, उसमें जो दाग वाग है चेहरे पे, मार्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो क्या उसके लिए कोई टीका वीका है? हाँ, चिकन पॉक्स का ही एक टीका है जिसे मतलब दाग लगना तो एक मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज है, वो छोटा मोटा लगता है, कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन कई बार सीवियर हो जाती है क्योंकि अब हमारी क्योंकि ये वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक बार तो हमारी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी कम हो जाती है उस बीमारी के लिए, तो डिजीज थोड़ी ज्यादा सीवियर क्योंकि ओल्डर एज में होती है जाके तो ज्यादा सीवियर भी हो जाती है और उससे फिर कई बार पॉक्स मार्क्स मतलब आ जाते हैं फेस पे। तो अगर वो दे दिया जाए वैक्सीन तो वो 2 साल की उम्र पे दिया जाता है और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उसका भी एक बूस्टर डोज देने की जरूरत रहती है। डॉक्टर मीनू, एक कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ से जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मीनू से। हाँ जी हेलो, हाँ प्रीति बताइए अपना सवाल। मैंने ये पूछना था मैम, मेरा बेटा अभी 9th मंथ का है, 10th मंथ अभी लगा है उसे, तो वो खाने में कोई भी चीज खाता नहीं, बहुत वीक है, खाने में खाता ही नहीं, पसंद ही नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि उसे क्या खिलाया जाए और क्या नहीं, और खेलता बहुत कम है। अच्छा, उसका वेट कितना है? उसका वेट मैम अभी मैंने जाना है इंजेक्शन लगाने, वैसे उसका आई थिंक 9 केजी तक, नहीं आई थिंक, मुझे माइंड में नहीं अच्छे से। वैसे उसका वेट अगर 9 केजी है तो उसका वेट बहुत अच्छा है, सो मुझे नहीं लगता कि मतलब उसको खाने की बहुत प्रॉब्लम रही होगी। 6 महीने तक आई एम श्योर आपने उसको ब्रेस्ट फीड किया होगा। उसके बाद जैसे दूसरे फूड्स हम स्टार्ट करते हैं, जैसे
पहले शुरू में थोड़ा सा कोई खाना प्योर फॉर्म में जैसे मूंगी की दाल से शुरू करते हैं, उसके बाद हम चावल और मूंगी की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। 9 मंथ्स पे तो बच्चों के छोटे छोटे कई बार दांत भी आ जाते हैं, नीचे के दांत निकल आते हैं, तो उनको बनाना दिया जा सकता है, जैसे मैश करके दे सकते हैं आप इसे, या एप्पल को आप स्टू कर दीजिए, उसको जैसे स्टीम करके एप्पल का छिलका उतार के उसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा साथ में कस्टर्ड वगैरह मिक्स करके आप उसे खिला सकती हैं। और वेजिटेबल्स वगैरह देना बहुत जरूरी होता है, तो जैसे स्पिनेच या ग्रीन वेजिटेबल्स आप उसकी खिचड़ी में डाल सकती हैं। और क्योंकि इस टाइम का टीदिंग टाइम होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है कि वो कुछ मुंह में डालें, तो आप कुछ जैसे क्रैकर बिस्किट्स वगैरह हैं वो भी दिया जा सकता है। अब बच्चे इस एज में बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, वो छोटा थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है। और किसी का वेट अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो हम हाई कैलोरी फूड्स जैसे कि पंजीरी होती है या खीर होती है या सूजी खीर होती है, उस तरह की चीजें भी एडवाइस करते हैं। पर आपको उसका वेट जरूर करा लेना चाहिए, और बच्चे जो हैं वो अपना वेट जो है वो 3 टाइम्स कर लेते हैं बर्थ वेट से 1 साल की उम्र पे। तो अगर उसका बर्थ वेट 3 किलो था तो उसका 9 किलो अगर 1 साल पे वेट होगा तो दैट विल बी आइडियल, दैट विल बी अ गुड वेट। सो यू डोंट हैव टू, मतलब उसके बारे में आपको ज्यादा वरी नहीं करना है, लेकिन फिर भी खिलाना है, और सिर्फ दूध पे नहीं रखना है, दूसरी चीजें खिलानी उसको बहुत जरूरी है। जी प्रीति, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे टीके की, छोटे बच्चों को जब टीका जब लगाया जाता है, उनको इंजेक्शन दी जाती है, तो उस टाइम उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे फीवर आ जाता है, वो रात को सोते नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तब माँ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसका इलाज आजकल एक तो ये है कि क्योंकि एक तो बहुत सारे वैक्सीन हो गए हैं, तो अगर आप देखो तो अगर सब टीके अलग अलग से लगेंगे तो बच्चे का तो पिन कुशन बन जाएगा, तो इसलिए उसको अब कॉम्बिनेशन वैक्सीन आ गए हैं, जो कि मतलब एक ही इंजेक्शन में 4-5 तरह के वैक्सीन कंबाइन करके दे दिए जाते हैं जी। लेकिन फिर भी उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत बुखार आता ही है, और उसके लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और जैसे इंजेक्शन लगवाया तो हम एडवाइस करते हैं यूजुअली कि आधे घंटे के बाद या कुछ वो उसको थोड़ा कोई एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक जिससे बुखार ना चढ़े वो उसको दे दिया जाए जी। और तो फिर भी अगर हो जाए तो थोड़ा बहुत भी हो जाए तो दोबारा भी वो दवा दी जा सकती है, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है पर उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती। जैसे आपने जिन दवाओं की बात की तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? नहीं, यूजुअली पैरासीटामोल दिया जाता है जो कि बहुत ही सेफ दवाई है जी, तो वो दे देनी चाहिए बच्चे को ताकि उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। डॉक्टर मीनू हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम परमजीत है मैम। जी परमजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मीनू से। मैम ऐसा है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसके बच्चे को संतुलित पैदा हो तो उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए? अच्छा, प्रेग्नेंट वूमेन के लिए एक्चुअली शुरू से ही कुछ ना कुछ उनको प्रिकॉशंस लेनी होती है। एक तो ये है कि उनकी डाइट जो है वो बड़ी बैलेंस्ड और रेगुलर होनी चाहिए, बीच में मतलब वो ज्यादा मतलब मिस ना करें अपना खाना, और उनकी डाइट में आयरन और फोलिक एसिड, वो तो आजकल टैबलेट्स के रूप में सब मदर्स को दिया जाता है, वो उनको लेना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा उनको भी इंजेक्शंस लगते हैं, टेटनेस आप जानते हैं, न्योनेटल टेटनेस एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर टेटनेस का टीका ना लगवाया जाए, तो मदर्स को प्रेगनेंसी में डिलीवरी से 4 वीक्स पहले एटलीस्ट मतलब उनको 2 टीके जो हैं वो टेटनेस के लगवाने बहुत जरूरी रहते हैं। दूसरा, मदर्स को दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ब्रेस्ट, बिकॉज ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बाद में बेबीज को शुरू करनी पड़ती है, तो उनको मतलब अपने कईयों के रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले से ही अगर उसका मसाज वगैरह निपल्स का कर दिया जाए तो बाद में फिर वो बेबी को दूध पिलाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और ब्रेस्ट फीडिंग एज यू नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि बच्चे की वेल बींग के लिए, और मदर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उससे मदर का वेट लॉस हो जाता है और थोड़ा सा मतलब स्पेसिंग में भी ये हेल्प करता है और बहुत सी बीमारियों से बच्चों को बचाता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान देना उनको पोस्ट नेटल लाइफ में बहुत जरूरी रहेगा, तो इन सब चीजों के लिए उनको थोड़ा बहुत एजुकेशन की जरूरत रहती है, थोड़ी एक्सरसाइजेस जैसे योगा वगैरह करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मदर को एडिक्वेट रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसका वजन बच्चे का जो है वो ठीक से बढ़ सके, और कई बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है बच्चे का रेगुलर, मतलब विजिट्स पे करते हैं जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं,
ताकि बच्चे की वेलबींग जो है वो मॉनिटर की जाए। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर दो और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट साप्ताहिक। जी आप अपना नाम बताइए। दीक्षीर सिंह है। जी आप अपना सवाल पूछिए। इस तरह मैडम जी, बच्चा नहीं, बच्चा है ये 2.5 साल का, उसने गले में नहीं टॉन्सिल बार बार आ जाते हैं। अच्छा, दवाई लगते हैं ये, फिर ठीक हो जाता है दोबारा, फिर टॉन्सिल द्वारा फिर आ जाते हैं। नहीं, ये आपको किसने बताया कि टॉन्सिल की प्रॉब्लम है? क्योंकि टॉन्सिल जो है वो एक नॉर्मल टिश्यू है जो कि हमारे गले में होता है। कई बार लोग, मतलब हम लोग ये इस चीज को भी टॉन्सिल का नाम दे देते हैं कि जैसे कोई उसको आपने चीज दी, जैसे आप बता रहे हो कि कोई ठंडी चीज दी, या उससे उसका गला खराब हो जाता है या उसकी सांस में तकलीफ हो जाती है, तो उस तरह से बताइए। क्योंकि टॉन्सिल का होना नहीं होना, तो मतलब टॉन्सिल तो सभी में होते हैं। और वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जी, जब खाना खाता है ना जी, खाना नहीं खा रहे है जी, मान लो जो दिक्कत आती है उदो गले से दर्द, ऐसे कहता है ना, कोई लिक्कर ला रहा ना कोई रोग खाना खा रहे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को हो सकता है कि थोड़ी बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम हो। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे कोई आइसक्रीम दे दी या कोल्ड ड्रिंक दे दी, उससे गला जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोई एलर्जी की वजह से उनको गले की एलर्जी यू कैन से के हो जाती है। सो उससे लगता है कि गला उनका खराब हो गया। कई बार गले में इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसके लिए मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह। पर इतने छोटे बच्चे को मोस्ट लाइकली मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, पर उसके लिए प्रॉपर एग्जामिन करना जरूरी रहेगा कि गले में इन्फेक्शन है कि नहीं है। आपने, आई होप आपने टीके सारे लगवा लिए होंगे अपने बच्चे के जो 2-2.5 साल तक लगने थे वो, क्योंकि वो बहुत सी गले की बीमारियों से भी बचाता है। जी जसवीर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर मीनू, हमारी बातचीत जारी रहेगी बच्चों की समस्याओं पर। फिलहाल हमें यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01725043863 और 65। हम बस यूं गए और यूं आए।